इस समारोह में पतंजलि परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा लगता है कि ये उत्साह जब से दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसा ही बना रहेगा। इस दीक्षांत समारोह के लिए मुझे अप्रैल के महीने में आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो रहा है। वो अधूरा कार्य मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है बल्कि स्वस्थ और उत्साह भरे वातावरण में। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरिद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। और इससे भी बढ़कर यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और पंद्रह वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। और मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतज़ार कर रहा हो या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कपड्यांचा ढीग जर तुम्हाला दुकानात आढळला तर तुम्ही कपडे कसे विकत घ्याल? सर्व भाज्यांचं मिश्रण तुम्हाला बाजारात आढळलं तर तुम्ही भाज्या घ्याल? डाळ, तांदूळ आणि इतर किराणा मालाचं मिश्रण आढळल्यास किराणा सामान विकत घ्याल? सगळं काही वेगळं झालं तर सोपं होणार नाही का? अशाच प्रकारे कचरा वेगळा झाल्यास कचऱ्यावर प्रक्रिया करणंही सोपं जातं। प्रत्येक सुक्या कचऱ्यासाठी निळ्या रंगाचा डबा,
ओल्या कचऱ्यासाठी हिरव्या रंगाचा डबा, धोकादायक कचऱ्यासाठी लाल रंगाचा डबा, सुका कचरा, काच, लाकूड, चामडं, प्लास्टिक, धातू, कापड, रबर, कागद इत्यादी। ओला कचरा, फळाची साल, उरलेली भाजी, कातडी, न शिजवलेलं अन्न, कॉफी किंवा चहा पावडर, बागेचा कचरा जसं पानं आणि फळं, धोकादायक कचरा, डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन, पेंट ड्रम, तुटलेले बल्ब, ट्यूबलाइट, बॅटरी, रासायनिक घटक इत्यादी। सौजन्य, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर।